हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। दिस साइड भवि। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट जो मीन डेविएशन, मीन मीडियन, उन्हीं से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। और हमें यहाँ पर एक सीरीज गिवन है। मीन के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड नंबर ऑफ आइटम्स। अब हमें ये जो सीरीज है इसका टोटल करना होगा, तो आइए देखते हैं। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 17 टोटल नंबर हमारे पास है 8। तो हमारे पास हो गया 80/8 = 10। ये क्या आ गया हमारे पास, x डैश, मतलब कि मीन। अब हमें x के सीरीज में से x डैश को क्या करना है, माइनस। और वो मॉडुलस में है, जो भी चीज मॉडुलस में होगी उससे हमें नेगेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं। ये हुआ 6, 3, 2, 1, 0, 2, 3 and 7। उसके बाद क्या कर देंगे हम इनका, समेशन ऑफ x माइनस x बार। हमारे पास हो गया 24। अब हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस x बार डिवाइड बाय समेशन है हमारे पास 24 और n ऑफ नंबर है हमारे पास 8। तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया, 3। सबसे पहले हमने क्या निकाला इससे, मीन। मीन निकालने के बाद हमने x माइनस x बार को पुट करके हमारा क्या निकाल लिया, आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन टाइप के फॉर्मूलेस पढ़े थे, इवन और ओड। अब हमें देखना है कि ये सिर्फ इवन में है या ओड में। यहाँ पर हमारे पास 10 है, एन हमारे पास क्या है, 10। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन का। इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एन बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10/2 + 10/2 + 1, मतलब कि 5th और 6th ऑब्जर्वेशन। अब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा था कि हमें सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, अरेंज। अरेंज करने के लिए हमारे पास 5th और 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 46 और 49। ये हो गया हमारे पास 95, और डिवाइड हम किसे करेंगे, 2 से, तो वो आ गया हमारे पास 47.5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मीडियन। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला हम करेंगे अप्लाई, और x की सीरीज में से 47.5 को क्या करते जाएंगे हम, लेस। 47.5 - 36 क्या हो गया, 11.5। उसके बाद 47.5 - 42 वो क्या आ गया, 5.5। नेक्स्ट हमारे पास 47.5 - 45 वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.5। नेक्स्ट इज 47.5 - 46 ये हो गया 1.5, सेम 1.5 एंड 47.5 - 51.5। नेक्स्ट इज 5.5 12.5 and 24.5। इस तरीके से हमने क्या निकाला, x माइनस x डैश। अब हम लेते हैं इसका समीशन। वापस आया x माइनस x बार इज 70। ट्राई करेंगे फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन, वो होता है x माइनस x बार डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमारे पास समीशन है 70, n हमारे पास 10, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गया हमारे पास 7। इस तरीके से निकलेंगे आपके मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी सीरीज ओड है या इवन। अगर ये इवन है तो आपके पास फॉर्मूला ये लगेगा, ओड की रहे हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या निकाली हमारी ऑब्जर्वेशन, उससे हमने फाइंड आउट किया हमारा क्या, मीडियन। वो करने के बाद हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, हमने समीशन निकाला एक्स माइनस एक्स बार का, वो क्या हो गया, 70। उससे आ जाता है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या निकाला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। बट इसमें हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, इंडिविजुअल सीरीज। बट अब हमारे पास क्या आती है, डिस्क्रीट सीरीज। एक्स गिवन है एंड हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। जब यहाँ पर एफ है तो एफ को कुछ काम ही होगा, तभी तो उसे ऐड किया गया है। तो यहाँ डिस्क्रीट सीरीज है, तो क्या एफ इंटू एक्स, हमने उनका एडिशन कर लिया। हमने क्यू फाइंड आउट किया, बिकॉज ऑफ द मीन, हमें क्या चाहिए, मीन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मीन क्या आएगा। इसका हमारे पास समीशन आता है 4000। फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स एंड समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एन ही क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो एफ एक्स हमारे पास है
4000, इसी का टोटल है हमारे पास 80, तो ये कितना आ गया 50। ये आ जाता है हमारे पास मीन, क्योंकि हमें से मीन की नीड थी इसलिए हमने से फाइंड आउट किया, इसका कोई यूज नहीं है। अब हमें x को x बार में से क्या करना है माइनस, वो करने के बाद हमें पता है इसका नेगेटिव साइन का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हमने ये निकाली, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एडिशन थी, हमने पढ़ा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जहाँ ऐड हुई है मतलब उसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा ही होगा, हम इसका टोटल नहीं ले सकते, हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी की दोबारा से इससे मल्टीप्लाई करनी है। वो करने के बाद उसका समेशन लेंगे हम, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है f x माइनस x बार एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या होता है n, तो ये हमारे पास आया 1280 डिवाइड बाय 80, हमारा आंसर क्या आ गया 16। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो जाती है, तो जहां भी n होता है वहां हम क्या यूज करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी, ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन किससे डिस्क्रीट सीरीज से। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किससे डिस्क्रीट सीरीज से। अभी तक हमने क्या किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन, पर हम अब क्या देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके लिए डिटेल में हमने क्या पढ़ा था अभी प्रीवियस वीडियो में, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी हमारी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सी एफ, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला सी एफ। सी एफ किसका समीशन होता है एफ का, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, उसकी हर एक सीरीज को हम क्या करते जाते हैं ऐड करते जाते हैं, 3 + 5 × 8 = 6 14 + 7 = 21 + 8 = 29। अब हम देखेंगे सी एफ में 15 कहाँ लाई करता है, 14 से बड़ा है सी एफ तो मतलब कहीं ना कहीं 21 के आसपास लाई करेगा, तो हमने इस सीरीज को क्या कर लिया बॉक्स में, मतलब वो एक्स में कहीं ना कहीं 30 है, मीडियन हमारा क्या है 30, 15 के आसपास था ना, मतलब जो 21 वाली सीरीज थी उसमें हमारे पास एक्स के 30, वही हमारा क्या हो जाता है मीडियन। अब यूज होगा हमारे पास एक्स माइनस एम, एम मतलब मीडियन, एक्स की हर सीरीज में से हम इसे क्या करते जाएंगे माइनस, पहले हमारे पास 15, 9, 3, 0 एंड 5। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है मतलब एड अप हुई, तो क्या काम होगा सेम मीन की तरह ही होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी को हमें मल्टीप्लाई करना है, 15 × 3 = 45 = 45 = 18 = 0 एंड 40। अब हमें करना है इसका समेशन आया 148। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला तो हमें पता है सेम ही होता है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, समेशन है 148 एंड टोटल ऑफ एफ कितना है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ है 29 जो यहाँ पर भी हमने देखा था, तो ये हो जाएगा 29, आंसर आ गया 5.1। इस तरीके से होता है मेन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मेन डेविएशन अबाउट मीन को किससे कंटीन्यूअस सीरीज, उसके लिए हमें सीरीज गिवन है और हमें क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम मिड वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोबारा से देख लेते हैं 95 + 105 / 2, ये क्या आ गया हमारे पास 100/2 = 100। इस तरीके से हमने सारी मिड वैल्यूज को निकाल लिया, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी की मिड वैल्यू से क्या करती मल्टीप्लाई, उसके बाद हमने क्या निकाला उसका समेशन, क्या फाइंड आउट करने के लिए मीन, मीन अब तक हमारा सेम चल रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन, समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड समेशन ऑफ एफ, अगेन हमारे पास क्या होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ एम हमारे पास होता है 1 to 5 = 30 एंड समेशन ऑफ एफ होता है 100, तो ये हो गया 1 to 5.3, ये हमारे पास क्या आ गया हमारा x। उसके बाद सेम प्रोसीजर जो अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, चेंजमेंट सिर्फ मीन और मीडियन में होता है बट मीन डेविएशन तो हमारा कॉन्स्टेंट है जिसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वो तो हमारा हर क्वेश्चन में सेम चलेगा, बस हमें मीन और मीडियन को क्या करना होता है चेंज। उसके बाद x माइनस x बार में से अपनी वैल्यू को माइनस किया, अब हमारे पास x ये नहीं होता हमारे पास x ही होता है, तभी तो हमने मिड वैल्यू को फाइंड आउट किया था, इसमें से हमने इसे माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस x बार, अब ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी एडिशन था तो हमने फ्रीक्वेंसी की इससे क्या कर दी मल्टीप्लीकेशन, इसका समीशन आता है 1128.8। अब हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन, समीशन ऑफ f x माइनस x बार डिवाइड समीशन ऑफ f, ये हो गया
समीशन ऑफ एफ है हमारे पास 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 11.28। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास सिर्फ इतना सा चेंज था कि हमें क्या निकालनी थी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के बाद जैसे हम डिस्क्रीट में यहाँ एफ एक्स का समीशन लेते थे, वैसे हमें एफ एम का समीशन लेना है। इंटरवल में से हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, मिड वैल्यू। उसके बाद हमारा प्रोसीजर सब सेम होता है किसकी तरह, डिस्क्रीट सीरीज ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें स्टूडेंट्स इस सीरीज में हमारे पास कुछ डिफरेंट है, वो क्या है, हमारे पास ये सीरीज सेम नहीं है। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज क्या थी, मतलब 16 to 20 to 20 to 25 ही चल रहा था, उनका जो इंटरवल गैप था वो भी क्या था, सेम। इंटरवल गैप इनका भले ही सेम हो बट ये सीरीज सेम तो नहीं है। ये क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये सेम नहीं है, इसके लिए हमें से सेम करना होगा। हम इसे सेम कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स 20 और 21 में कितने का गैप है, 1 का, तो 1/2 एज अ मिड वैल्यू, तो 0.5, इसलिए हमें 0.5 ऐड और लेस करना है। इन केस यहाँ पर 21 नहीं 22 होता तब हम क्या करते, उनमें 2 का गैप हो जाता 2/2, तब हम 1 ऐड और 1 लेस करते। अब तो इनमें 1 का गैप है, तो लोअर लिमिट में 0.5 लेस मतलब 15.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड मतलब कि 20.5। इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पर जब हमने माइनस किया 21 में से, 21 में से जब हमने 0.5 को माइनस किया तो ये क्या हो गई 20.5, उसके बाद 25.5 इसमें ऐड अप हो गया, अगेन सेम। इससे हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, इक्वल। जब तक हम इस सीरीज को इक्वल नहीं करेंगे हमारा आंसर कभी भी मैच नहीं कर सकता, उसमें आपकी कहीं ना कोई एरर क्रिएट हो ही जाती है, तो इसलिए हमें उसे रेक्टिफाई करना जरूरी है। 45.5 and 45.5 to 50.5, 50.5 to 55.5, ये हो गई हमारी सीरीज। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली हमने, फ्रीक्वेंसी का क्या कर दिया हमने, एडिशन। उसके बाद इनको प्लस करके जो हमारी क्या निकली, मिड वैल्यू, मतलब 15.5 प्लस 20.5 डिवाइड बाय 2, 36 डिवाइड 2 वो क्या हो गया, 18। इस तरीके से आप क्या निकल गई, मिड वैल्यूज। क्या निकालना है हमारा, मीडियन। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था, जहाँ कंटिन्यूस सीरीज होती है वहां पर हम सिंपल यूज करते हैं एन बाय 2। एन आपका क्या है, 100, 100 डिवाइड 2 मतलब कि 50 ऐसी आइटम होगी जो कहीं लाई करेगी, वो हमें किस में देखना है, CF में। तो 50 से समथिंग कुछ बड़ा, 37 छोटा है, तो 60 वाली ये आ गई हमारे पास, मतलब हमारे पास इंटरवल आएगा 35.5 to 40.5 और फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 26। एंड CF सबसे मेन थिंग, CF होता है उससे एक ऊपर वाला, वो क्या हो जाएगा, 37। अब हम अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला, L1 प्लस N by 2 माइनस CF डिवाइड फ्रीक्वेंसी इंटू I, I मतलब कि इनका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 35.5 प्लस 50 माइनस 37 डिवाइड 26 इंटू 25, तो ये आया हमारे पास सॉल्व करके 38। अब हमारे पास अगेन सेम x, हमारे पास C है नॉट ये, कौन सा, M। अब हमें m में से इसको माइनस करना है 38 को, हमने इसे लिखा 20, 15, 10, 5, 0, 5, 10 और 15। अब हमें फ्रीक्वेंसी किससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तो 20 into 5 ये हो गया हमारे पास 100, हमारे पास 90, 120, 70, 0, 60, 160 and 135। अब हमें देखना है इसका समीशन, स्टूडेंट्स इसका समीशन हमारे पास आता है 735। फॉर्मूला तो हमारे पास कंटिन्यू सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज वाला सेम ही होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एम ऑफ समेशन ऑफ एफ, ये हो गया 735 डिवाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आ गया 7.35, ये हो जाता है हमारा आंसर। इसमें कुछ भी चेंज में नहीं था, बस मीडियम को अच्छे से फाइंड आउट करना है। और एक हमने इसमें क्या डिफरेंट पढ़ा, अगर हमें सीरीज में डिफरेंस गिवन हो तो हमें उसे रेक्टिफाई करना है। लोअर लिमिट में हम 0.5 को माइनस कर देते हैं एंड अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी 15.1 कंप्लीट होती है विद कॉन्सेप्ट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।